लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। दिल लगाया था दिल लगी के लिए, बन गया रोग जिंदगी के लिए। जाने क्या बात है, बड़े मूड में लग रहे हो। अरे तुमको तो चेहरे पढ़ना भी नहीं आते, मैं परेशानी में गुनगुना रहा हूँ। कैसी परेशानी भला? बस मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, बहुत हो गई। तो फिर क्या करोगे? गर्ल्स कॉलेज खोल लेता हूँ, उसमें लड़कियों को बिल्कुल फ्री तालीम। कैसी तालीम? यही कि शादी के बाद शौहर के साथ कैसा सलूक करते हैं। अरे बाबा पहले खुद तो शादी कर लो। अब मैं तो पाकिस्तान में शादी नहीं करूंगा। क्यों? फिर क्या करोगे? वेस्ट इंडीज में। वहाँ की औरतों की खास बात यह है, अच्छाई हो या बुराई, खुश रहती है, डांस करती रहती है। अब मर भी जाए ना बंदा तो नाच नाच के दफन करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? बस इसलिए कि मुर्दा भी जरा एंजॉय करता हुआ दफन हो जाए। वाह कैसी नाचती कौम है। लगता कोई आया। अरे बाबा साहब आप। अरे बाबा हम। बाबा साहब बगैर बताए कैसे आ गए? ये कौन सी बड़ी बात है, बुराई कभी बता के आई है? अरे बाबा जानी मौत भी अचानक आ जाती है। अच्छा तो मतलब आप मलकुल मौत हैं? अरे बाबा क्या बदतमीजी है, मेरे बाबा साहब घर पर आए। बाबा साहब आप अंदर चले, इसकी बातों को छोड़े मैं आपको बताती हूँ, और कुछ खाना वाना भी खाते हैं। ठीक है। लो जी एक कहानी फिर शुरू, एक अभी पहुंचा नहीं होगा, दूसरा हाजिर। मुझे नहीं पता तुमने मुझसे वादा किया था, अगले हफ्ते मैं पहले तुम्हें मरी लेके जाऊंगा, फिर नथियागरी लेके जाऊंगा, फिर नारायण लेके जाऊंगा, फिर कागान लेके जाऊंगा, और मुझे नहीं पता मुझे जाना तो मुझे जाना, मुझे नहीं पता। अरे बाबा जाएंगे जाएंगे, पहले टिकट तो बुक करा लूं बाबा। अरे जरूरत ही नहीं है ना, हम बाय रोड चलते हैं। अरे बाबा बाय रोड ट्रेन नहीं जाती है ना। तो अच्छा है ना, हम अपनी गाड़ी में जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे, और रास्ते में कोई ट्रेन भी नहीं आएगी। हाँ ये बात तो ठीक है। अरे बाबा सही, आप कैसे आ गए बगैर बताए? बाबा सही ये क्या बात हो गई भाई, हम अंदर आए हैं तो हर आदमी पूछता है बगैर इतना आप अंदर कैसे आ गए? भाई हमने क्या कोई गलत काम किया है? अरे नहीं बाबा सही, क्या बात कर रहे हैं आप, बता कर आते तो कोई बंदोबस्त करते ना। अरे बाबा तो फिर कर लो ना बंदोबस्त, अब तो हम इधर ही है ना। सीमा बेटा तुम कैसी हो? जी ठीक हूँ मैं। लगता है बाबा हमारे आने से यहाँ कोई खुश नहीं हुआ। बाबा साहब मैं तो बहुत खुश हूँ, बाकी दूसरों का मुझको पता नहीं। नहीं बाबा साहब बताएं कैसे आना हुआ आपका? अरे बाबा वो क्या है कि हमारे के दोस्त का बेटा है, वो इधर शहर में रहता है, अरे उसकी शादी करनी है ना बाबा। अच्छा तो आप उसका निकाह करवाने आए? अरे नहीं नहीं बाबा साहब तो तलाक कराने के माहिर हैं। अरे बाबा क्या बोल रहे हो तुम? अरे बाबा मैंने उसकी माँ से वायदा किया है कि उसके बेटे का रिश्ता किसी अच्छे घर में शहर में कराऊंगा। अच्छा अच्छा तो अपने घर में तो रिश्ता नहीं करा सकते आप? क्या? नहीं मेरा मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है बाबा साहब। जरीना तुम बाबा साहब को आराम करवाओ, बाबा खातिर तवाजा करो, ले जाओ। अच्छा बाबा चलो बाबा। काम कैसा चल रहा है बाबा? अरे बाबा जानी काम तो जानी चलाता है, मुझे क्या पता। अच्छा अरे जब भी तो ठप पड़ा हुआ है काम पूरा। तो क्या करूं, घर के काम भी मैं देखूं और बाहर भी मैं देखूं, एक नन्ही सी जान क्या क्या करे। अरे बाबा जानी एक बात बताओ, ये इतनी अकलमंदी की बातें लाते कहां से हो? क्यों मैंने यहाँ क्या बेवकूफी का ठेला लगाया हुआ? वैसे साईं पीछे से आप कहां से थे? अरे बाबा हम बादशाहों के घराने से है। अच्छा इसका मतलब आप ताश की गड्डी में रहते थे? बाबा हम ताश की गड्डी वाले पत्ते वाले बादशाह नहीं है, हमारे आबा अजदाद जो है ना असली बादशाह थे। अच्छा 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 ये यानी वो वाले बादशाह जैसे कंडक्टर नहीं कहता बादशाह आगे बढ़ शाबाश। बाबा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हमारे आबा अजदाद का जो है मजाक उड़ा रहा है, शर्म करो, हमारे अब्बा का अपना तख्त था, उस पे बैठ के क्या दूध बेचा करते थे? अरे पागल है या तू यार? तो फिर आलू के चिप्स लगाते होंगे है ना? अरे बाबा वो उस पर बैठ कर अपनी रियाया से बातें किया करते थे। क्यों क्या कुर्सी नहीं थी? अरे बाबा कुर्सी थी बाबा लेकिन छिन गई। मुझे लगता है पाकिस्तानी बादशाह थे। अरे नहीं बाबा चाइना का बादशाह, जब ही ज्यादा देर चल नहीं सके है ना। बातें मत करो,
मेरे दोस्त का बेटा आ रहा है, उसकी माँ उसकी यहाँ शादी कराना चाहती है। अली नाम है उसका, अली। अली आ रहा है या माँ आ रही है? अली यहाँ शहर में रहता है और माँ गाँव से आ रही है। तो फिर ख्याल किसका रखना है, अली का या माँ का? ओ अली का बाबा, माँ का ख्याल मैं रख लूंगा। क्यों बाबा सही, उसका बाप नहीं है क्या? नहीं। फिर ठीक है बाबा सही, वरना झगड़ा हो जाता। बहरहाल जो कुछ भी है उसका ख्याल रखना है। ठीक ठीक। जी फरमाइए। मैं गांव से आई। लग तो नहीं रही। हाँ किसी को भी नहीं लगता, लेकिन अब गांव के लोग ना मॉडर्न हो गए। अच्छा वो कैसे? भाई व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टा वगैरह, इन सब ने मॉडर्न कर दिया हम लोगों को। तुम किधर हो? अच्छा सारी बातें छोड़े, ये बताए मिलना किससे? कैदी नंबर 402। ये आप जेल में आई है जो कैदी नंबर? क्या हो गया आपको? तो किसी से मिलना ही है ना, इसीलिए यहाँ आई हूँ। अरे तो उसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है, मेरा तो फर्ज है ना आपसे पूछना। अरे बाबा जानी क्या हुआ है, ये आंटी कौन है? आंटी लग रही हूँ मैं तुम्हें? जी बाबा लग तो रही है। चलो ठीक है, वरना मैं लगती नहीं हूँ। अरे बाबा आपको मिलना किसे? सारी बातें बाहर ही पूछ लोगे या कुछ अंदर के लिए भी छोड़ोगे? अंदर नहीं, अंदर नहीं, आजकल हालात ठीक नहीं है ना इसलिए। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, मौला दाद से ना फोन पे बात कर लूंगी। अरे बाबा आपको बाबा सही ने बुलाया ना शादी के लिए? हाँ। अरे बाबा अच्छी बात है, मैं भी बहुत परेशान था बेचारे, बहुत अरसे ना अकेले घूम रहे। क्या? मैं अपने बेटे अली की शादी के लिए आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अली कहाँ है? अरे बाबा मैंने उसको कॉल कर दिया है, वो बस अभी आना है। तुम्हारी कब बात हुई उससे? अभी, वो मैंने बाबा सही से नंबर लिया ना तब। अच्छा आप सारी बातें यहीं कर लोगे क्या? अच्छा हटो तुम दोनों, अंदर तो जाने दो। आपने गुजरना या ट्रक गुजारना? आंटी आपने लड़की देख ली? नहीं, लड़की तो अली ने खुद पसंद की है, मैंने उसकी तस्वीर देखी है। अरे आंटी आपको खुद भी जाकर देखना चाहिए था, अगर कोई लंगड़ी लूली हुई तो। नहीं नहीं लड़की लंगड़ी नहीं है अभी, भला गूंगी होगी? नहीं भाई मैंने फोन पे बात की है। अरे आंटी ये आजकल तो बहुत फ्रॉड चल रहा है, कोई ऐप डाउनलोड की हुई तो। अरे भाई छोड़ो इन बातों को, मौला दाद कहाँ है उसको बुलाओ। वो भी यही है। वो भी नहीं है इसका क्या मतलब है? अरे जब पूरा का पूरा गांव इस घर में भरा हुआ है तो यही होंगे ना। अच्छा भला ये बताए कि आपका लड़का क्या करता है? मेरा बेटा स्नेक ऑनर है। स्नेक ऑनर? सांप का मालिक है? जरीना स्नेक नहीं, स्नैक्स का ऑनर। गांव में रहकर भी मैं पढ़ी लिखी हूँ और तुम लोग शहर में रहते हुए भी जाहिल हो। अरे आंटी गांव या शहर से क्या होता है, जिसने तालीम हासिल करनी होती है वो कहीं रह के भी हासिल कर लेता है, और जिसे नहीं करनी होती ना वो स्कूल जाके भी नहीं करता। मुझे तुम कुछ अकलमंद लगती हो। कुछ नहीं आंटी मैं तो बहुत अकलमंद हूँ, पूछे जो भी पूछना है। अच्छा फिर एक बात बताओ, शादी के बाद मेरा बेटा बीवी का ना हो मेरा ही रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? क्यों बाजाई? अरे बाबा ये नहीं बता सकती। बोलो भाजाई तुमने यार, मान ली। अरे भाई छोड़ो इन बातों को, मौला दाद कहाँ है उसको बुलाओ। अब हाँ बाबा मैं अभी बाबा साईं को फौरन से भेजती हूँ और आपके लिए गर्मा गर्म चाय भी बना के लाती हूँ। हाँ जाओ। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। बॉस मैं मानता हूँ मेरी गलती, इसी बात पे तो मैं सॉरी भी कह रहा हूँ ना आपसे, असल में ट्रांसपोर्ट की वजह से लेट हो गया था। नहीं सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। सर क्या कह रहे हैं? सर देखिए मेरी इज्जत का सवाल है सर, कॉन्ट्रैक्ट इस तरह चला जाएगा सर। सुने हेलो माफ कर दे सर। अरे यार मुझे लगता है। सलाम अलैकुम। कई पार्टी हैं। वालेकुम सलाम। मकान नंबर 9211 यही है? बाहर क्या लिखा हुआ? यही लिखा है। तो यही होगा ना, बगैर इजाजत अंदर कैसे आए? अरे गेट पे कोई होगा तो इजाजत लूंगा ना यार। तो बेल बजा देते? बजाने ही लगा था लेकिन करंट लग रहा था। वो क्या है कि आपकी बेल में बटन तो है ही नहीं, और वैसे भी आपकी बेल से मुझे मेरे बाबा याद आ गए। वो कैसे? उनकी मौत भी बेल बजाते हुए हुई थी। उनकी मौत बेल बजाते हुए थी? किसके घर की? अपने घर की। अपने घर की? वो कैसे? अम्मा से झगड़ा हो गया था, अम्मा ने जाके बेल का बटन निकाल लिया, अब्बा रात को आए और गए। मैं क्या फजूल बातें कर रहे हो, किससे मिलना है? मेरा नाम अली है और मैं मौला दाद अंकल से मिला। अच्छा अली आप हैं? जी। अच्छा 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 अच्छा। यानी ये कौन है भला? ये अली है, मौला दाद साहब से मिलने आए। ये कौन है? ये मौला दाद की बेटी है जरीना। हाय जरीना। अरे बाबा मैं गैर मर्दों से हाथ नहीं मिलाती। कोई बात नहीं लेकिन मैं मिलाता हूँ। हेलो भाई आपका चलान भी हो सकता है? किस चीज का? ये जो बगैर कागजात के फ्लर्टिंग कर रहे हो ना, इस चीज का। ओह सॉरी अगर आपको बुरा लगा तो। अंकल अंदर है क्या? अंकल तो अंदर है लेकिन जो हरकत की ना मैं तुझे अंदर कर दूंगा। जा शाबाश मिल ले उनसे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मेरा इस वक्त में बहुत साथ दिया। अरे बाबा, हम भी इसी वक्त का काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आपके बेटे की शादी हो जाए तो यूं तो समझूंगा कि मेरी शादी हो गई ना। मैं आपका मतलब नहीं समझी। इतना अरसा हो गया है आपको समझाते हुए, आप समझती नहीं है हमारी बातों को। मैं यहाँ अली की शादी करने आई हूँ। हाँ तो एक स्टेज पे भाई दो दूल्हे नहीं बैठ सकते क्या? दूसरा दूल्हा कौन? मेरा मतलब। हेलो अंकल। अरे अली बेटा, तुम आ गए, कैसे हो? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत अच्छी है आपकी अम्मी। भाई आपकी शादी के लिए गांव से शहर आ गई? अली, कहाँ है मेरी बहू? मैंने उन्हें यहाँ का एड्रेस दे दिया, आज अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर आप मिल भी लीजिएगा और मुतमिन भी हो जाएंगे। जैसे मैं हो गया भाई। किससे? भाई आपकी अम्मी से। आपकी अम्मी आपसे कितना प्यार करती है। वो तो है। बाबा बताएं, आप लोग खाएंगे क्या? जो चाहे मंगवा लें। लेकिन मैं तो डाइटिंग पे हूँ। वाह 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 वाह, मैं भी डाइटिंग पे हूँ इत्तेफाक से। मैं तो सिर्फ एक टाइम खाती हूँ। भाई मैं भी एक ही टाइम खाता हूँ। और मैं तली हुई चीजें बिल्कुल नहीं खाती। ले भाई, मैं भी हल्की चीजें कम खाता हूँ। यार क्या कमाल है, मिलती जुलती तबीयत है आप लोगों की। अरे वाह अंकल, जो अम्मी करती है वो आप भी। लेकिन जो मैं करता हूँ वो आपकी अम्मी नहीं करती ना। क्या? मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। किससे? मेरा मतलब है मुल्क से मोहब्बत नहीं करती ना। मुल्क से मोहब्बत करती है आप। अरे मुल्क से तो मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। हाँ लेकिन मुल्क से मोहब्बत तो करती है आप, लेकिन मुल्क के लोगों से आप मोहब्बत नहीं करती ना। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि आप बैठे, मैं जरा जानी को देखा। अरे जानी बाबा किधर है? अरे किधर मर गया भाई, मजा आ गया लस्सी का। हाँ बाबा, लेकिन बाबा लस्सी मजे की नहीं थी, इसका दूध थोड़ा सा गड़बड़ता। नहीं नहीं, इससे बात करो बाबा, इससे कहो हमसे दूध नहीं आ गया। सही था दूध तो, सही था। अरे बाबा ऊपर ही चढ़ता आ रहा है। अच्छा तो भाई सही था। भाईजान जरा प्लीज मेरी बात सुनना। जी जी, आपने हमें बुलाया? हाँ हाँ, तुमसे इधर आओ जरा। जी जी जी, फरमाइए। ये तुम दोनों इधर ही रहते हो? आपने हमें किधर देखा है? इधर ही देखा है। हाँ तो बाबा हम इधर ही रहते ना, हम कौन सा बिलालगंज से आए अपनी चाची से मिलने। हमें मकान नंबर 9211 में जाना है, मौला दाद के घर पे। तो आप मुझसे मिलने आई हैं क्या? आप मौला दाद हैं? नहीं, मैं तो मौला बख्श हूँ। जी नहीं, ये है मौला दाद के बेटे बच्चू भाई, आप हमारे ही घर आई हैं। अरे भाई तो फिर तुम कौन हो यार? अरे बाबा ये हमारा मैनेजर है जानी, बहुत पालतू है। अब मेरा मतलब है बाबा बहुत वफादार है। अच्छा, एक आवाज पर आता है? अरे बाबा एक आवाज पे आता है। अच्छा तो गेंद फेंकूंगा लेकर आएगा? अरे बाबा यूं जाएगा और यूं लेकर आएगा बाबा। अच्छा मैनेजर है? बहुत अच्छा मैनेजर है, फैमिली मैनेजर है। बच्चू भाई ये मैं मैनेजर ही हूँ ना यहाँ पे। हाँ बाबा, क्यों क्या हुआ? ये जो बातें चल रही है ना, मैं कुछ और ही लग रहा हूँ। क्या हो गया, कोई मसला है क्या? अरे नहीं नहीं बाबा, कोई मसला नहीं है, आप लोग आइए अंदर। नहीं लेकिन कहाँ भाई? अरे बाबा बनारस जाना है ना। बनारस? बनारस क्या के लिए? बाबा मौला दाद से नहीं मिलना आपने? हाँ हाँ हाँ, बाबा अंदर मिलवाएंगे ना मौला दाद से। चलो पार्किंग कर, चले बाबा चले, पहले चले आप लोग चले। आप दोनों ने ना मेरी शादी में लाजमी आना है, और मेरी दुल्हन के ना साथ साथ रहना है आप लोगों ने। क्यों बला के वो कहीं भाग जाएगी क्या? अरे जैसे लड़कियां होती है ना दुल्हन के साथ साथ वैसे। देखो इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हम आएंगे खाना खाएंगे और चले जाएंगे। ये क्या बात है अली? अरे शुमैला आ गई तुम? कब से फोन कर रही हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अब समझ में आया फोन क्यों नहीं उठा रहे? कौन है ये दोनों? ओ बीबी पहले तुम बताओ, तुम कौन हो? मैं शुमैला हूँ, मेरी इनसे शादी हो रही है। तो भला इसे मैं इतना अकड़ने की क्या जरूरत है? तो तुम दोनों इनसे बातों में क्यों लगी हुई हो? अरे ये तो तुम इससे कहो ना, इसका रेडियो एक बंद ही नहीं होता, बजता चला जाता है बजता चला जाता है। हे अली। अरे नहीं भाई, तुम तो जानती हो कि लड़कियां मुझे देख के मेरे पीछे लग जाती हैं। वाह 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 वाह, तुम तो जैसे कोई शाहिद अफरीदी हो, खुद ही हमारे साथ बातों में लगे हुए हो, बड़ा हीरो बनना झूठा कहीं करना हो तो। मैं जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। अली किस घर में बुलाया तुमने? अब क्या करता, तुम्हारे अब्बा गांव आ ही नहीं रहते। तुम गांव वाले भी अजीब होते हो। ओ गांव वाले जो है ना वो असली होते हैं, असली आटा खाते हैं, असली चावल खाते हैं, असली घी खाते हैं, शहर वालों की तरह मिलावट नहीं होती। ओहो अगर तुम्हें शहर वालों से इतना मसला है तो तुम चली जाओ ना वापस अपने गाँव। ये गाँव से है? ये भी गांव का ही है। लेकिन मैं तो शहर में रहता हूँ ना। ओहो तो रहती तो ये भी शहर में।
लेकिन मैं तो गांव से नहीं हूँ ना। ओहो, तो कौन शहर में कौन गांव में दिमाग की खिचड़ी बना रही हो तुम लोगों ने? अजीब दंगल के रखा है। तुम लोग डिसाइड करो कौन गांव से और कौन शहर से। लगता है गुस्सा हो गई। घर की मालकिन है ना बाबा, नखरे तो दिखाएगी ना। तुम लोग आपस में बैठ के बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। बहुत कमजोर है, विटामिन डी की कमी लग रही है, कैप्सूल भी लाऊंगी। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। भाई हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। मेरी तरफ से ये रिश्ता हाँ है। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो आपका बड़ा पल है। असल में आप खुद बहुत अच्छी हैं। ये बात मैं इनसे कह चुका हूँ। तो फिर शादी की तारीख रख लें? हाँ भाई, जो तारीख आप मुनासिब समझती हैं रख लीजिए। आप तो वैसे भी बहुत समझदार हैं। ये बात मैं इनको कह चुका हूँ। आंटी, शादी के बाद मैं गाँव नहीं जाऊंगी। भाई शादी के बाद आपको जहाँ रहना है वहाँ रहना। वाह भाई, क्या अच्छे ख्यालात के मालिक हैं आप। ये भी मैं इनको कह चुका हूँ। लगता है आप सब कुछ कह चुके हैं, कुछ बचा भी है? हाँ, बस जो इन्होंने कहना है वही बचा है बस। क्या मतलब? यही कि शादी में क्या करना है। हाँ अरे भाई, ये तो बताएं कि जहेज में आप क्या क्या लेंगे? देखिए जी, मेरी नजर में तो जो है ना जहेज लाना था। वाह भाई वाह, क्या अच्छी सोच के मालिक हैं आप। नहीं नहीं, आप कैश दीजिएगा ना। ये लानत नहीं है? अरे बाबा, ये तो जरूरत है ना वक्त की। अच्छा आंटी, आप शादी के बाद मुझसे लड़ेंगी तो नहीं ना? कैसी बातें कर रहे हो बेटी, अली की अम्मी ऐसी नहीं है भाई। ये तो बहुत ही नफीस खातून है। ये भी कह दिया होगा आपने? नहीं नहीं, ये तो मेरी पहले से सोच है ना इसके बारे में। सुभान अल्लाह। अच्छा मिठाई हो जाए? हाँ भाई क्यों नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये लो भाई मौलादात, ये लो, ये मिठाई लेकर आओ भाई, बच्चों के लिए, पूरी फैमिली के लिए। आप जाए ना, आपकी बेटी की शादी है तो आप लेने जाए ना। चले जाए ना अंकल, और गुलाब जामुन मत डलवाइएगा। बेटा मेरे सर में दर्द है, मैं नहीं जा सकता ना। भाई सर में दर्द है, तुमसे कोई सर के बल चलने को कह रहा है क्या? पैरों पर चल कर जाओ, पैरों पे चले जाइए ना मौला दाद। आप कहती हैं तो चले जाते हैं हम बस, वरना हम किसी के नौकर नहीं है। जा रहा हूँ मैं। अरे टोपी भी रह जाती है, देखिए दिमाग खराब हो गया हमारा। बच्चों ये क्या नया ड्रामा लगा रखा है बाबा साहब ने इस घर में? ए, इतने लोग जमा कर लिए घर ही आला दिन पार्क। असल में बच्चों के जो बाबा है ना, आंटी को बहुत इज्जत दे रहे हैं, मैंने महसूस किया ही। तुम मेरे बाबा साहब पे शक कर रहे हो? अरे बाबा वो तो उनकी मदद कर रहे हैं। हाँ सही, हाँ बाबा जाने की पुरानी आदत है, वो हर किसी के काम आते हैं। अच्छा, हमारे तो कभी काम नहीं आए। अरे बाबा तुम्हारी कोई आंटी है? नहीं। तभी तो नहीं आए तुम्हारे काम। आंटी को यही घर मिला था रिश्ता तय करने के लिए। अरे बाबा किसी का रिश्ता कराना तो बहुत अच्छी बात है ना, तुमको भला क्या पता रिश्ते की अहमियत। तो अब हो गया ना रिश्ता तय, बच्चों सबको बोलो कि बस चलते बने। अरे बाबा सीमा, वो मेहमान है और कोई मेहमान को घर से निकालता है भला? बच्चू भाई बिल्कुल ठीक कह रहे, और मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा शुमाइला को कि वो यहाँ से जाए। मैं उस अकेली शुमाइला की बात नहीं कर रही, सबके सबको यहाँ से निकालो। हाँ हाँ, बाकी सबको निकाल दें, शुमाइला को यही रहने दें, वो बेचारी खुद ही चली जाएगी। नहीं नहीं बाबा, उसको भी निकालो, वो भी अपने आप को शेर की हीरोइन समझ रही है। तुम्हें क्या मसला है शहर वालों से? आजा बाबा आजा, अब तुम दोनों आपस में लड़ने मत लग जाना। चलो चल कर देखते हैं बात कहाँ तक पहुँची। तुम लोग जाओ, मैंने नहीं जा रहा। आज चल जरीना, तू चल बाबा मेरे साथ। अरे बाबा इस जानी को ही ले जो, मेरे को तो बहुत भूख लग रही, मैं किचन में जा रही हूँ। असल में मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता था, आज आज मैं बहुत खुश हूँ। काश शुमाइला की माँ जिंदा होती तो वो भी बहुत खुश होती, लेकिन कोई बात नहीं, आप तो जिंदा है ना। क्या मतलब? पापा। जी बेटा। मैं अली के साथ आइसक्रीम खाने जाऊं? शादी से पहले आइसक्रीम नहीं बेटा, इसकी परमिशन नहीं दूंगा मैं। नो नो। तो चाट खा ले। चाट? हाँ चाट खा लो। अली ज्यादा दूर नहीं जाना। अरे नहीं, बस ये किमाड़ी तक जा रही है। किमाड़ी तो बहुत दूर है। अरे वो गाँव से दूर है, यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है। अच्छा चले शुमाइला। मेरा बेटा आज बहुत खुश है। और मैं भी बहुत खुश हूँ आज। अरे वाह भाई वाह यार, मुझे आप लोगों ने मिठाई लेने के लिए भेज दिया और आप खुद यहाँ बैठ के मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। तो इसमें इतनी नाराज होने की क्या बात है? अरे भाई आखिर मैं इनका समधी हूँ,
भाई मैं इनका दोस्त हूँ यार। दोस्ती कोई बात नहीं होती, दोस्ती किसी वक्त भी टूट सकती है, लेकिन एक समधी और समधन कभी अलग नहीं हो सकते मौलादाद। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है भाई? समधी और उसके हुकूक, ये किताब मेरे ख्याल पढ़ी नहीं है आपने। नहीं नहीं मुझे नहीं पढ़नी है। अरे भाई आप दोनों क्यों बहस कर रहे हैं? तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ, ये बस तो छोटी चीज है। बात सुनो भाई, ये तो मेरी अब रिश्तेदार हो चुकी है, आपका इनसे क्या ताल्लुक है? अरे भाई वही रिश्ता है जो दिल का दिल से होता है, नजरों का नजरों से होता है और एहसास का एहसास होता है। और बहन का? बहन से भाई का होता है। अरे ये मेरे मुंह से क्या निकल रहा है? समधन जी आपको नया भाई मुबारक हो। नया भाई तो मिल गया, काश कि पुराना भी मिल जाता। अरे भाई आप दिल से दुआ करें, इंशाल्लाह वो भी मिल जाएगा आपको। अरे मैंने दिल में दुआ की और वो भी मिल गया। वाह मिल गया तो कहाँ है हमें बताएं ना। आप हैं ना? मैं भाईजान। आप क्या कह रही हैं? आप दोनों की शक्ल ना मेरे पुराने भाइयों से मिलती है। अरे बाबा आंटी क्या हो गया, किसकी शक्ल किससे मिलती है? आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे बहू भी मिल गई और मेरे बिछड़े हुए भाई भी मिल गए। अच्छा कहाँ है वो? ये दोनों है ना, ये दोनों आज से मेरे भाई हैं। साईं ये क्या कह रही हैं? बाबा जा बहन तुम्हारे बेटे की जोड़ी मुबारक हो। वाह सही वाह क्या बात है। बहन वो शादी तो पक्की है ना? हाँ हाँ बिल्कुल पक्की है भाई। एक बात होगी, बहू भी मिल गई और दो भाई भी मिल गए, बच्चों भाई ये तो कमाल हो गया। वे 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 जबरदस्त। ला लाइट साउंड कैमरा एक्शन। आप ही ने तो टून दिया था टून। बाबा हमने तो किसी का खून नहीं किया है। ज्यादा बकवास की ना तो मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। अपनी औकात मेरा मैं बता रही हूँ जरीना, मैं तुम्हें फोड़ दूंगी। अरे जा जा अपना काम कर, बहुत देखी है मैंने तेरे जैसी। मेरी जबान में थोड़ा मसला है, ये तैर रहा हूँ। तैर रहा हूँ? अब कहाँ तैर रहे हो भाई? बाबा मुझे लग रहा है दरिया सिंध में तैर रहा है। चले फिर पिशावरी आइसक्रीम खाने चलते हैं। चले हटे मैं आइसक्रीम नहीं खाती। पता नहीं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। आप कौन है बाजी? डांट